हे एवरीवन, मैं हूं ज्योति जसनादर। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मुझे कई बार मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं कि हमें कोई जेंटल माइल्ड एवरीडे शैम्पू बताइए जो कि हम डेली या फिर हमेशा यूज़ कर सके, जो हमारे बालों को हार्म ना पहुँचाए, उसमें हार्मफुल केमिकल्स ना हो और हमारे बाल जो है वो हेल्दी रहे। तो आज मैं आप सबके साथ ऐसे ही शैम्पू और कंडीशनर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो कि है ये मामाअर्थ के शैम्पू और कंडीशनर। ये है मामाअर्थ का हैप्पी हेड शैम्पू और ये है मामाअर्थ का नो मोर टैंगल्स कंडीशनर। इन दोनों को मैं 2 वीक से ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम रेडी टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए तो इसी तरीके के ढेर सारे ऑनेस्ट रिव्यू वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आईडी मैं यहाँ के स्क्रीन पे दे दूँगी। वहाँ पे आप मुझे डीएम करके अपनी ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ, लाइफस्टाइल रिलेटेड क्वेरीज पूछ सकते हैं। हम वहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। सो या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो बात कर लूँ अगर मैं इन दोनों के प्राइस की, तो ये दोनों ही आते हैं ₹349 के, जिसमें आपको मिल जाता है 200 ml ऑफ प्रोडक्ट। और मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ 20% ऑफ का कूपन। यहाँ स्क्रीन पर एक कूपन कोड शो कर रहा होगा। अगर आप मामाअर्थ की वेबसाइट से शॉप करते हैं और इस कूपन को अप्लाई करते हैं तो इन पे आपको मिल जाएगा 20% ऑफ, विच इज़ अ स्टील डील। और अगर मैं इनकी अवेलेबिलिटी की बात कर लूँ तो ये जो है मामाअर्थ की वेबसाइट पर और अमेजोन पे बहुत ही ईजिली अवेलेबल है और ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है। पैकेजिंग की बात कर ले तो इनके साथ कोई भी आउटर कार्टन नहीं आता। ये इसी तरीके की वाइट प्लास्टिक बॉटल में आते हैं और ये पंप प्लस नोजल वाली इनकी ओपनिंग है, जो कि इस तरीके से आप घुमा सकते हैं जिससे ये ओपन और क्लोज होता है। और ये वाली ओपनिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इससे हम अपने प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा या कम जितना हमें चाहिए। और साथ ही साथ में ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है, स्पिल प्रूफ है ट्रैवल करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोथ द प्रोडक्ट्स वन बाई वन। और सबसे पहले बात करते हैं शैम्पू के बारे में। तो अगर मैं शैम्पू के मेन इंग्रेडिएंट्स की बात कर लूँ तो इसमें है बायोटिन, आंवला एंड नेचुरल प्रोटीन। और साथ ही साथ में इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं फुल इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट कहीं स्क्रीन पे दे दूँगी तो आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ में इसमें नहीं है पैराबिन, SLS, SLES, पैथलेट, सल्फेट, डाइज और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस। तो ये हार्मफुल केमिकल से फ्री है। इसमें वो हार्मफुल केमिकल्स नहीं है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग वरीड रहते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि हमें कोई SLS, पैराबिन, SLES, सल्फेट फ्री शैम्पू बताइए। तो इसमें ये हार्मफुल चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। दिखा देती हूँ कि ये शैम्पू दिखता कैसा है। तो हमने ये पब को प्रेस किया और हमारा शैम्पू बाहर आ गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लियर, लाइक ट्रांसपेरेंट है और काफ़ी इसकी थिक कंसिस्टेंसी है। और अगर मैं स्मेल की बात करूँ तो एक्सट्रीमली माइल्ड स्मेल है, जो कि बाल धोने के बाद बिल्कुल नहीं आती बालों में से, विच आई लव। और बहुत ही फ्रूटी और सिट्रसी सी इसकी स्मेल है। और अगर मैं बात करूँ कि कितना लेदर करता है तो ये बहुत ज़्यादा लेदर नहीं करता क्योंकि ये सल्फेट, SLES भी है, बट ये राइट अमाउंट वाला लेदर करता है जिससे बाल अच्छे तरीके से साफ हो जाते हैं। तो बता देती हूँ कि ये शैम्पू क्लेम्स क्या क्या करता है। तो इनका कहना है कि ये एक नेचुरल शैम्पू है, जेंटल क्लेंजिंग करता है और साथ ही साथ में स्कैल्प को नरिश करता है। तो बात कर लूँ मैं अपने एक्सपीरियंस की, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको यूज़ करते करते मुझे 2 हफ्ते के ऊपर हो चुके हैं। पहले ही बता दूँ कि मेरा जो स्कैल्प है वो ऑयली है और जो मेरे एंड्स हैं वो थोड़े से ड्राई एंड फ्रिजी हैं। अगर मैंने बालों में ऑयल नहीं किया हुआ है तो मुझे शैम्पू के 1.5 से 2 पंप लगते हैं अच्छे तरीके से स्कैल्प और हेयर को क्लीन करने के लिए। और अगर मैंने ऑयल किया हुआ है तो 3 पंप मुझे लग जाते हैं ऑयल को कम्प्लीटली बालों में से निकालने के लिए। अगर मैंने ऑयल करा हुआ और मैं शैम्पू का यूज़ करूँ तो मुझे कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं महसूस होती। ये इतना अच्छा करता है बालों को। और अगर मैं बात कर लूँ कि बहुत सारे लोगों की मेजर कंसर्न होती है जब वो कोई नया शैम्पू ट्राई करते हैं कि कहीं ये हमारे हेयर फॉल को ना बढ़ा दे या इसकी वजह से कहीं हमारे बाल झड़ने ना लगे, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि इस शैम्पू की वजह से मेरे जो बाल हैं वो झड़ने लगे हैं। अब इनका कहना है कि ये जेंटल क्लेंजिंग करता है, तो येस ये जेंटल क्लेंजिंग करता है। बालों को वॉश करने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि इसने आपके स्कैल्प के जो कि इसेंशियल ऑयल होते हैं उसको स्ट्रिप कर दिया है और बाल को बिल्कुल झाड़ू जैसा बना दिया है। आप कंडीशनर नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो बिल्कुल चलेगा। एंड मुझे ये फील होता है कि जो शैम्पू है वो सारे हेयर टाइप, स्कैल्प टाइप को सूट भी करेगा। लाइक बालों का टेक्सचर ऐसा नहीं हो जाएगा जैसा हम ऐड में देखते हैं, टीवी ऐड में शैम्पू वाले ऐड आते हैं कि बाल एकदम शाइनी हो गए हैं और सिल्की स्मूथ हो गए हैं। ऐसा एक्चुअल में आई डोंट थिंक कि कोई शैम्पू करता है, बट येस ये बालों को हेल्दी लुकिंग बनाता है, उनके टेक्सचर को अच्छा करता है। आज आप वीडियो में मैं बता दूँ कि आज मैंने विदाउट ऑयल करे हुए शैम्पू को यूज़ किया और मैंने कंडीशनर भी नहीं लगाया है, ताकि आप आमने सामने देख लें कि ये बालों को लाइक कैसा टेक्सचर देता है। तो मुझे मेरे बाल हेल्दी लुकिंग लगते हैं इसको यूज़ करने से। अब बात कर लेते हैं इस नो मोर टैंगल्स कंडीशनर के। तो कंडीशनर के जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है मिल्क प्रोटीन, आवोकाडो एंड शिया बटर, और बाकी फुल इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट मैं यहाँ स्क्रीन पर दे दूंगी। साथ ही साथ में जैसे शैम्पू में था वैसे ही इसमें भी कोई भी SLS नहीं है, पैराबिन नहीं है, SLES नहीं है, पैथोलेट्स नहीं है, सल्फेट्स नहीं है, डाइज नहीं है और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है। अगर कंसिस्टेंसी की बात कर लूँ तो ये जो कंडीशनर है ये काफ़ी थिक है, क्रीमी है, और जैसा एक कंडीशनर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ये बिल्कुल वैसा ही है और बहुत ही अच्छे से बालों में स्प्रेड हो जाता है। और इसकी भी स्मेल बहुत ज़्यादा माइल्ड है और सिट्रसी सी स्मेल है, विच आई लव। बता देती हूँ कि ये जो कंडीशनर है वो क्लेम्स क्या क्या करता है। तो इनका कहना है कि ये फ्रिज फ्री हेयर के लिए, साथ ही साथ में ये हमारे बालों को डीटैंगल करता है। बात कर लूँ अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इसको आपको रूट से लेके पूरा टिप तक लगाना है, बट मैं कभी भी किसी भी कंडीशनर को अपने रूट्स में अप्लाई नहीं करती, हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी हेयर लेंथ में अप्लाई करती हूँ और टिप्स तक अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मेरी स्कैल्प ऑयली है और अगर मैं कंडीशनर को अपने स्कैल्प में लगा लेती हूँ कोई भी कंडीशनर तो मेरी जो स्कैल्प है वो बहुत ही जल्दी ऑयली हो जाती है। तो मैं अवॉइड करती हूँ कंडीशनर को रूट्स में लगाना। इसे लगाने के बाद मैं 2 से 3 मिनट रखती हूँ और नॉर्मली जो नॉर्मल वाटर होता है उससे वॉश कर लेती हूँ। वार्म वाटर से अपने बालों को मत वॉश करिए, वो बालों को ड्राई और फ्रिजी बनाता है। नॉर्मल वाटर से हमेशा बालों को वॉश करिए। इसकी अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ये लाइक एक पंप मुझे लगता है मेरी पूरी हेयर लेंथ में लगाने में, उससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ, उतना काफ़ी होता है मेरी हेयर लेंथ के लिए। इसकी अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि ये बालों से बहुत ही ईजिली निकल जाता है। कोई कोई कंडीशनर होते हैं जिन्हें लाइक वॉश करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत टाइम लेता है, चिपचिपे होते हैं, बट ये बिल्कुल भी स्टिकी चिपचिपा नहीं है, बहुत ही ईजिली बालों से निकल जाता है, बालों को सॉफ्ट बनाता है, फ्रिज फ्री बनाता है। और जैसा इन्होंने कहा कि ये डिटैंगल करता है, ये तो ये बालों में अब बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि 100% डिटैंगलिंग कर देता है, बिल्कुल भी उलझन नहीं होती बालों में, बट या कंपेरेटिवली लेस उलझन होती है बालों में, बालों को डिटैंगल ये करता है। तो जब आप कोम करेंगे तो आपको लाइक उलझन नॉट्स कम लगेगी, जिससे बाल कम झड़ते हैं और बालों के टेक्सचर को भी अच्छा करता है, मैनेजेबल बनाता है बालों को, सबसे अच्छी चीज़। एंड कुछ कंडीशनर्स होते हैं जो बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ तो बना देते हैं, बट वो बालों के वॉल्यूम को ले जाते हैं, बालों को एकदम फ्लैट और लिंक बना देते हैं, बट ये ऐसा नहीं करता, बालों को नॉर्मल तरीके से सॉफ्ट बनाता है, फ्रिज को कम करता है, बट ये बालों के लाइक वॉल्यूम को टेक्सचर को लेके नहीं जाता, बाल वॉल्यूमिनस ही लगते हैं, फ्लैट या लिंप नहीं लगते। सो या फाइनली मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे और इफ़ेक्टिव हैं, और अगर आप उनमें से हैं जो माइल्ड जेंटल एवरीडे शैम्पू देख रहे हैं जो कि SLS, पैराबिन और हार्मफुल केमिकल्स फ्री हो, तो आप बिल्कुल इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, स्कैल्प को, बालों को क्लीन करना और बालों को मैनेजेबल बनाना, हेल्दी लुकिंग बनाना, उनके टेक्सचर को अच्छा करना। साथ ही साथ में आई फील कि ये सारी की सारी हेयर टाइप्स को सूट करेंगे, तो आप बिल्कुल इनको एक बार ट्राई कर सकते हैं। मेरी तरफ से इन दोनों को बिग थम्स अप। सो या ये था मेरा रिव्यू मामाअर्थ के शैम्पू एंड कंडीशनर के लिए। अगर आपको रिव्यू यूज़फुल लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है। एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को ज़रूर क्लिक करिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। सो या अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड चीयर्स।